हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर NIRD। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, उनका सिलेबस क्या है इंग्लिश का। तो मैंने रीजनिंग का सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो आप देख लेना। मैथमेटिक्स के अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लेना। लास्ट इंग्लिश बचा हुआ है और इंग्लिश का इस वीडियो में आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। इसमें जीके का क्वेश्चन नहीं आता है और नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये बात याद रखना। तो लास्ट इंग्लिश की ये सिलेबस रहती है, जो डिटेल में आपके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है NIRD एग्ज़ाम के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपको समझने में इजी हो जाती है और टाइम कम समय में भी आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में देखा जाता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एरर डिडक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके एरर बताना रहता है आपको किसी सेंटेंस से, कि इसमें एरर कहाँ पर है। एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, ओके। सिनोनिम्स, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर। आइडियोम्स, ठीक है, आइडियोम्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में केवल 7 टॉपिक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी के इंग्लिश स्ट्रांग रहते हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता है, ओके। ओवरऑल ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो ये बात याद रखना। सेक्शनल का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश में इतना मार्क्स ज़रूरी है, मैथमेटिक्स में इतना मार्क्स ज़रूरी है, रीजनिंग में इतना मार्क्स ज़रूरी है तभी आप क्वालिफाई करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल देखा जाएगा। और एक इंग्लिश के बाद जब आप NIRD का, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, MCQ का क्वेश्चन, उसको देने के बाद एक एसे की टॉपिक आपको दी जाएगी ठीक एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो आपको एक एसे लिखनी रहती है हाफ एन आवर में, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है अधिकतर, तो वो उसके भी तैयारी आप लोग कर लेना। कोई सा भी करंट अफेयर्स और टॉपिक पूछे जा सकते हैं, या कुछ भी इंटरेस्टेड इन रूरल डेवलपमेंट, जो भी है रूरल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीन तीन टॉपिक दिए जाएंगे, तीनों में से किसी में से एक लिखना है, ठीक है। तीन टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है, ठीक है। तो वो तीन ऑप्शन आपके लिए बहुत हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, कि आपको किस में ज़्यादा अच्छा समझ आ रही है। जैसे कि इंग्लिश, तीनों टॉपिक में से आपको जो अच्छा लगे वो आप एक टॉपिक पे लिख सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, और सारे सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कर दो। अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, केवल 28 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और 8 अप्रैल को लास्ट डेट है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।